साड़ा बड़ा नुकसान हो गया, किन्या भरपाई करनी असें। इस में जो भी था वो सब तो चल चुका है, नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। कुछ हमने सामान बाहर निकाल दिए, वो भी सारा डैमेज हो गया, इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस हमारा सबसे ज्यादा सामान इसी रूम में था, जिस रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ। ये एक्चुअली हमें सुबह मोहल्ले वाले लोगों ने इन्फॉर्म किया कि आपके घर पे है वो धुआं वगैरह निकल रहा, जो भी वो सुबह हमें पता चला। हम कल शाम तक तो इसी घर में थे अपने, हम एक्चुअली कल शाम को यहाँ से गए हैं वापस, तो फिर हमें सुबह कॉल आया कि आपके घर पे ये इन्फॉर्म किया कि आपके घर पे यहाँ से बाहर काफ़ी ज़्यादा धुआँ निकल रहा था, उसकी वजह से पता चला कि घर में आग वगैरह लगी है। तो फिर इस रूम में जो भी था वो सब तो जल चुका है, बाकी सारा घर पे भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। और कल अस इत्थे गए ही, कल शामी अस कोई 6 बजे ने इत्थों गए, घर गए, बच्चा स्कूल जाना हा, ये कुड़ी छड्डन जाना हा, ते फिर सवेरा से फोन आई गया है थोड़े घर, इन्हें म्हल्ले ने गै सनाया कुसै ने कि धुआं लगा, अग लगी दी थोड़े घर। फिर डरी गए अस, आई गए इधर, आई गए 9 बजे इत्थे पुज्जे, ते बुरी हालत ही इत्थे दी, फायर ब्रिगेडियर आए आ गए, साली उन्हें केईं बच्चे लगे दे, सारा किश समान इद्धरा कड्ढिया बाहर तक, दुए कमरे चा कड्ढिया सारा बाहर कड्ढिया, इत्थे धुआं गै धुआं ज्यादा होई गेदा हा, लुप्पा दा भी नहीं कुछ भी। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फ्रिज वगैरह ख़राब हो गए, इनके 2 फ्रिज पड़े थे अंदर, पंखे शंखे, बेड भी बड़ा ज़बरदस्त सामान पड़ा था उसके अंदर, जो सभी डैमेज हो गया है। ये सर सुबह सुबह ही हमें सूचना मिली, एक्चुअली हम अभी उठे ही थे, तो इधर से मोहल्ले का हमारे एक लड़का आया, बोलता कि आपके दूसरे, मेरे ताऊजी का घर है, वो बोलते आपके दूसरे घर में धुआं निकल रहा है। तो हम भाग के आए यहाँ पे, देखा तो काफ़ी सारा धुआं निकल रहा था, हमने सोचा कि कहीं सिलेंडर वगैरह फट गया हो, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं जा रहा था। लेकिन हमारे आसपास के जो नौजवान हैं लड़के, वो भाग के आए, वो बोलते कुछ नहीं होता, हम चल के देखते हैं अंदर हो क्या रहा है। फिर दीवार फांद के हम अंदर आए, अंदर आए तो इतना ज़्यादा धुआं था कि मतलब कि खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर हमने दरवाजे को खोला, हमने किक की, एक लड़के ने दरवाजा, थोड़ी कुंडी टूट गई इसकी, तो ये दरवाज़ा खोला, फिर दूसरा खिड़की हमने खोली, धुआं थोड़ा बाहर हुआ, तब भी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और इवन आग लगी हुई थी अंदर, हमें दिख नहीं रही थी, इतना ज़्यादा धुआं था, क्योंकि इतना मतलब कि यहाँ पे वो खड़े नहीं हुआ जा रहा था हमसे। तो जब हमने कोशिश की, फिर लड़कों ने यहाँ से पानी वाशरूम से निकाला, फिर कुछ रेत निकाला वहाँ डाला उसके फायर के ऊपर, फिर कहीं हम थोड़ा अंदर जाने के लिए, थोड़ा बाकी जो लोग बाहर थे वो भी अंदर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन ये पता नहीं चला कि लगी कैसे आग। हमारे बीच में जो जितने भी लड़के थे, 1-2 लड़कों को हमने बोला कि आप पुलिस को कॉल करके बुला लो, उन्होंने साथ में फायर वालों को भी बुला लिया, वो आए, उन्होंने भी मामले को थोड़ा हैंडल कर लिया, तो नहीं तो यहाँ पे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था।